गिनती की पुस्तक अध्याय 24। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहली की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया, और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं, वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिया आ रहा है, वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है, जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं के शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने तीन बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूं, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेर भी जो उसके शत्रु है दोनों उसके वश में पड़ेंगे, और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा, और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर
उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टानों पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंधुआई में ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा? तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया।